हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे जनरल रीजनिंग राहुल शर्मा सर की बुक एंड अंकित भाटी सर। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपको इस बुक का देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है जनरल रीजनिंग से रिलेटेड चैप्टर नंबर 6, वेन डायग्राम। बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी के साथ वेन डायग्राम को बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड इमेज दी गई है और जिन इमेज को हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छांटना है, और जो सबसे अच्छा हमारा वेन डायग्राम होगा, वेन आरेख होगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो दिए गए कंडीशन और क्वेश्चन के आधार पर हमने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले वीडियो में हमने 60 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, गायें, जंगली जानवर और लोमड़ी। अब आप देखिए, ये जो तीन वर्ड है, इन तीन वर्डों का सेटलमेंट देखिए किस डायग्राम में या किस वेन आरेख में क्रिएट होता है, बनता है। देखो, जंगली जानवर, जंगली जानवर में कौन आता है? गाय तो नहीं आएगी, गाय तो पालतू जानवर में आता है। तो जंगली जानवर में लोमड़ी आता है, लोमड़ी एक जंगली जानवर है। तो इसका मतलब है लोमड़ी जंगली जानवर है, तो ये लोमड़ी के लिए बनेगा ये, और ये लोमड़ी जो है जंगली जानवर की कैटेगरी में आती है। ये वाला हमारा जंगली जानवर हो जाएगा और ये हो जाएगा लोमड़ी। तो यहाँ पर मैंने लिखा लोमड़ी और इधर लिखा मैंने जंगली जानवर। जंगली जानवर ध्यान से देखो, बहुत अच्छा समझ में आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और गाय हमारा पालतू जानवर है, इसलिए ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पर गाय आ जाएगा। और देखिए, दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सबसे अच्छा वेन आरेख ये वाला बनता है। तो ये वाला ऑप्शन देख लेंगे कहाँ पर है। तो ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन जी। तो ऑप्शन जी इज राइट आंसर, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन जी। बिल्कुल गुड और बिल्कुल ईजी, आसान वेन आरेख आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आता है 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, रेशा, कपास और जूट। देखिए, कपास क्या होती है? रेशेदार फसल होती है, जूट भी रेशेदार फसल होती है, यानी कि ये दोनों रेशे वाले समूह में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जूट और कपास दोनों अपने आप में अलग अलग है, बट इनमें रेशा कॉमन है। तो देखिए क्या करेंगे, ये वाला, ये दोनों रेशे की कैटेगरी में आ जाएगा, ये हो गया कपास, ये हो गया जूट। तो कपास भी रेशे वाला फसल है और जूट भी रेशे वाला फसल है, दोनों ही रेशा होते हैं। ये रहा, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे उपयुक्त होगा। तो ये वाला देख लेंगे हम, हमारा क्वेश्चन का आंसर कहाँ बनता है, ये बनेगा हमारा ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आई, ऑप्शन आई इज राइट आंसर। देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में इसको जानेंगे। देखो, तारे यानी कि स्टार, सूर्य और पोलरिस, हम तीनों शब्दों में देखते हैं क्या मेल बनता है। जिसे आप जानते हैं, सूर्य को हम तारे भी कह देते हैं, लेकिन पोलरिस भी एक प्रकार का तारा ही होता है, पोलरिस भी स्टार ही होता है। तो सूर्य और पोलरिस यानी ये दोनों तारे होते हैं जो तारों के समूह में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट वेन आरेख बनेगा ये वाला, ये हो गया हमारा सूर्य, एक तारा है, पोलरिस भी एक तारा है, पोलरिस, और ये दोनों तारों की काउंटिंग में आते हैं, तारों के समूह में आते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और आसान है। तो इसके लिए, दिए गए क्वेश्चन के लिए ये वेन आरेख सबसे उपयुक्त होगा। तो इसको देख लेते हैं ये कहाँ पर बनता है, और इसका जो आंसर होगा हमारा ये वाला है, आई, आई हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, फूल, तना और जड़।
देखो इनका कोई भी संबंध नहीं एक दूसरे से, ये एक पेड़ के तीन अलग अलग पार्ट है। तो जब तीन अलग अलग पार्ट है तो ये तीनों ही आपस में अलग अलग हो गए। फूल से कोई तने का संबंध नहीं है, जड़ से नहीं, तो इसका मतलब तीनों अलग अलग हो गए, फूल तना और जड़ ऐसे। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे फूल तना और जड़, और यही हमारे क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट वेन आरेख या डायग्राम होगा। तो ये वाला हमारा बनता है ऑप्शन बी, नहीं सॉरी ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, जानेंगे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा वेन आरेख बनता है। आवधिक, ये समय को रिप्रेजेंट करता है, साप्ताहिक ये भी, और प्रकाशक होता है पब्लिशर, किसी चीज को छापने वाला प्रकाशक। इनका दोनों का इससे कोई संबंध नहीं है, प्रकाशक का, प्रकाशक बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ इन दोनों में आपस में संबंध है। जैसे साप्ताहिक आवधिक के अंतर्गत आता है, ये साप्ताहिक होगा, ये आवधिक, ये होगा साप्ताहिक, साप्ताहिक, और ये होगा आवधिक, और प्रकाशक बिल्कुल अलग होगा जो पब्लिशर होता है, ये बिल्कुल अलग होता है। तो इसके लिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, जानेंगे कौन सा आंसर बनेगा, और ये वाला बनेगा इसके लिए जी, ऑप्शन जी इज राइट आंसर। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, संगीतकार, म्यूजिशियन, मानव, क्रिकेटर। देखिए कुछ संगीतकार क्रिकेटर होते हैं और कुछ क्रिकेटर संगीतकार होते हैं, लेकिन ये दोनों मानव के अंतर्गत आते हैं। मानव, ये हो गया मानव, ये संगीतकार हो गया, संगीतकार, और ये हो गया क्रिकेटर। बहुत ही अच्छा और सरल व आसान वेन डायग्राम। तो इसके लिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ये वाला, जे वाला। तो जे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए क्वेश्चन नंबर 67, मेज, लेखन सामग्री और कालीन। देखिए तीनों वर्ड ऐसे हैं कि तीनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनके लिए सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त वेन आरेख होगा, सभी तीनों आपस में अलग अलग होंगे, तीनों आपस में अलग अलग होंगे। ये मेज हो गया, ये लेखन सामग्री हो गई, और ये हो गया कालीन, तीनों आपस में अलग अलग है। तो इसके लिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 68 जानेंगे, कुछ इंजीनियर वकील हो गए और विवाहित भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये होगा, ये वाला सबसे बेस्ट ये होता है। तो ये इंजीनियर हो गया, ये वकील हो गया, और ये हो गया विवाहित। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69, कमल, लिली और आम। अब देखेंगे इसमें तीनों हमें दिखाई दे रहे हैं, कमल, लिली और आम, साफ साफ दिख रहे हैं अलग अलग है तीनों, क्योंकि लिली का संबंध आम से नहीं है, या लिली अलग फूल है, कमल अलग फूल है। यहाँ पर तीनों ही बिल्कुल अलग अलग है आपस में, तो इनको अलग अलग ही बना लीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसके लिए, कमल, लिली
और जी इसके साथ आएगा आम। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तीनों अलग अलग है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 में दिया गया है पिता शिक्षक पुरुष। अब देखिए ये जो पिता है ये सब पुरुष के कैटेगरी में आते हैं, पिता पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। और ये पिता पिता पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन शिक्षक, कुछ शिक्षक पिता भी होते हैं कुछ शिक्षक पुरुष भी होते हैं। ये वाला कंसेप्ट आप इसका यूज करेंगे, कुछ शिक्षक पिता और कुछ पुरुष शिक्षक भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो हमारे लिए होगा ये, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 भाषा पंजाबी और हिंदी। देखिए ये पंजाबी और हिंदी दोनों ही भाषा होती है, तो ये भाषा बन जाएगा और इसमें दोनों ही अलग अलग भाषा है, पंजाबी हिंदी। और ये हो गया हमारा भाषा। क्लियर। तो इसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन होगा आई, ऑप्शन आई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, बेड सोने का कमरा और घर। देखिए बेड जो आता है ये बेड हो गया, ये सोने के कमरे में आता है और ये सोने का कमरा हो गया घर, घर में आ गया। ये हो गया घर, ये आ गया सोने का कमरा और ये बेड। देखिए बहुत ही बेस्ट और सुपर वेनारिक, इसके लिए ये वाला होगा एच। तो एच हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, एच। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 राजा पिता और रानी। देखिए इसके लिए बेस्ट वेन डायग्राम होगा, कुछ राजा पिता होते हैं या कुछ पिता राजा होते हैं। ये वाला बनेगा, ये होगा राजा, कुछ राजा पिता होते हैं या कुछ पिता राजा होते हैं। रानी बिल्कुल अलग बनेगा इसमें, रानी, ये रानी हो गई। तो देखिए दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हमारा सबसे बेस्ट वेन आरेख बनेगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 74 हाथ पैर और ठोड़ी। हाथ पैर और ठोड़ी ये तीनों अलग अलग अंग हैं, ये शरीर के तीनों अलग अलग अंग हैं, इसलिए अलग अलग ही वाला डायग्राम बनेगा, हाथ पैर और ठोड़ी। देख लीजिए बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लीजिए बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन, आकाश गंगा पृथ्वी और चंद्रमा। देखिए तीन वर्ड है, इनके अनुसार हमें देखना है, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया और ये दोनों ही आकाश गंगा का हिस्सा है, यानी कि आकाश गंगा में आते हैं। ये होगा हमारा पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा और ये होगा आकाश गंगा, आकाश गंगा। चलिए देख लीजिए सबसे बेस्ट और उपयुक्त वेन आरेख हमारे क्वेश्चन का बनेगा ये वाला आई, आई हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये। डॉक्टर मरीज और भारतवासी। देखिए ये एक दूसरे से रिलेटेड रखते हैं। ये हो गया डॉक्टर, कुछ डॉक्टर कुछ मरीज होते हैं,
कुछ मरीज कुछ डॉक्टर होते हैं, या कुछ डॉक्टर या कुछ मरीज ऐसे भारतवासी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने डॉक्टर के लिए लिया, ये मरीज, और ये हो गया भारतवासी इंडियन। ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है, ये वाला वेन डायग्राम सबसे अच्छा है डॉक्टर मरीज और भारतवासी के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए क्वेश्चन नंबर 77, यूनानी, स्पेनिश और बंगाली, ये तीनों ही अलग अलग होते हैं, यूनानी, स्पेनिश और बंगाली। तो यूनानी हो गया हमारे क्वेश्चन के निकट, स्पेनिश और बंगाली, ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए ये वाला बेस्ट वेन डायग्राम है, तो इसके लिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला देखेंगे 78, 5 का वर्ग, 3 का वर्ग और विषम संख्या। देखिए 5 का वर्ग, 3 का वर्ग और ये हो गया हमारा विषम संख्या। 78 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। 5 का वर्ग 25 अपने आप में अलग हो, 3 का वर्ग भी 9 अपने आप में अलग होता है, ये रहा। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग बराबर हो गया 9, और ये दोनों अपने आप में विषम संख्याएं होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा, और इसके लिए सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा आई। आई हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बहुत ही बेस्ट और सुंदर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्वेश्चन नंबर 79, उत्कृष्ट गैस क्लोरीन और नियोन। देखिए इसमें दो ये उत्कृष्ट गैस, दो गैस आती है उत्कृष्ट गैस, नियोन और क्लोरीन बिल्कुल अलग होता है। देखिए ये हो गया हमारा नियोन, ये हो गया उत्कृष्ट गैस और ये हो गया क्लोरीन का बिल्कुल अलग। ये हमारा नियोन गैस और ये हो गया उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, उत्कृष्ट गैस, नियोन उत्कृष्ट गैसों में गिनी जाती है, या इसका उत्कृष्ट गैसों का हिस्सा है नियोन, और ये क्लोरीन बिल्कुल अलग है। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं हमारा कहाँ पर बनता है, ये वाला ऑप्शन हो गया ये ऑप्शन जी, ऑप्शन जी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 80, आयत, बेलन और आकृति। देखिए आयत, बेलन और आकृति में आ गई है। देखिए ये हो गया हमारा आयत, ये हो गया बेलन और ये एक आकृति में आते हैं, आकृति कहलाते हैं ये। तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेस्ट और आसान सॉल्यूशन के साथ आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए